ईडी ने पिछले 15 दिनों से अरविंद केजरीवाल ने जेल से क्या क्या लिया वह पूरा ब्यौरा कोर्ट को दिया है। अरविंद केजरीवाल जेल में खूब मिठाई, आम और चीनी वाली चाय 4 बार पी रहे हैं। उनकी पत्नी भी घर से मिठाई के डिब्बे और गुजियां लेकर दे रही है। ईडी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल अपना ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जानबूझकर आम मिठाइयां खा रहे हैं और चाय के साथ चीनी ले रहे हैं। ईडी का कहना है कि केजरीवाल ब्लड शुगर लेवल में उतार चढ़ाव का हवाला देकर जमानत के लिए आधार बनाना चाहते हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल डायबिटीज के मरीज है, ऐसे में उनके वकीलों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में पहले से ही एप्लीकेशन दायर कर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केजरीवाल को डॉक्टर से नियमित कंसल्टेशन देने की मांग की थी, लेकिन अब उनके वकीलों ने यह एप्लीकेशन वापस ले ली है। इसी एप्लीकेशन के विरोध में ईडी ने अदालत के समक्ष ये बातें रखी। सुनवाई के दौरान ईडी ने दावा किया कि वे मेडिकल आधार पर जमानत लेने के लिए जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि इससे उनका शुगर लेवल बढ़े और उन्हें मेडिकल के आधार पर जमानत मिल जाए। कोर्ट के समक्ष ईडी ने कहा कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन वे जेल में आलू पूरी, आम और मीठा खा रहे हैं। वे ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं, यह एक तरह से मेडिकल के आधार पर जमानत लेने का तरीका है। ईडी ने कहा कि अदालत ने उन्हें घर का खाना खाने की मंजूरी दी है। जेल डीजी ने हमें केजरीवाल को डाइट भेजी है, उन्हें बीपी की समस्या है, लेकिन देखिए वे क्या खा रहे हैं, आलू पूरी, आम और हद से ज़्यादा मीठी चीज़ें। ईडी ने कहा कि हमने कभी नहीं सुना कि टाइप 2 डायबिटीज से जूझ रहा शख्स इस तरह की चीज़ें खाए, लेकिन वे रोज़ाना आलू पूरी, आम और मीठी चीज़ें खा रहे हैं। यह सब इसलिए किया जा रहा है ताकि उन्हें जमानत मिल जाए। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल के वकील से कहा कि हम जेल से इस पर रिपोर्ट मांगेंगे और आप मुझे उनका पूरा डाइट प्लान दें। इस पर अब कल सुनवाई होगी। इस मामले में अब शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है। केजरीवाल के वकील ने अपने मुवक्किल की ओर से कहा कि यदि मैं अपने स्वास्थ्य की देखभाल कर रहा हूं, तो ईडी उसका विरोध क्यों कर रहा है। अदालत ने सोमवार को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है। ईडी ने आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल पर आबकारी नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन से लेकर दिल्ली शराब घोटाले की पूरी साजिश में लिप्त रहने का आरोप लगाया है। वहीं इससे पहले अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है। पैसे से वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर याचिका में केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग की गई है। याचिका में मीडिया संस्थानों को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने से रोकने की भी मांग की गई है। याचिका में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को केजरीवाल के इस्तीफे के लिए विरोध प्रदर्शन या बयान देकर अनुचित दबाव बनाने से रोकने और 10 अप्रैल को DDU मार्ग पर विरोध प्रदर्शन के लिए अवैध सभा इकट्ठा करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने की मांग की गई है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।